स्क्रीनिंग है हद से चुके हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक ऐसा लगता है कि पूरा एक नया दुनिया खुल गया है इस ऐप से, क्योंकि टेस्ट केस भी मैंने देखी बहुत बेहतरीन है, बोस जो आप सबने देखी वो भी बहुत बेहतरीन है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी समथिंग अमेजिंग। और बहुत आई थिंक ऑफ लेट हमने कश्मीर के ऊपर लास्ट क्या आई थी हैदर, उसके बाद हमने कुछ देखी नहीं, और ये 5 लड़कियों के बारे में है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट गर्ल्स इन कश्मीर आर लाइक। आज की जो जिस तरह आज की एनवायरनमेंट चल रहा है कश्मीर या सोशल मीडिया कुछ भी देखा जाए तो ये नॉर्मल हो गया फतवा जारी करना या कुछ भी, ये कंटेंट हमें इस वेब सीरीज में भी देखने मिला है। इस फतवे को किस तरह लेती है एक फ्रीडम ऑफ किस तरह लेती है फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच ये अलग हो गया जो फतवा होता है वो आई मीन डिपेंड करता है। लास्ट किसको मिला था फतवा नहीं आई थिंक फतवा ऐसे ही नहीं जारी करते हैं, आई थिंक देर इज़ अ प्रोटोकॉल टू इट, एंड एक पर्टिकुलर विषय में हो तो मैं बोल सकती हूँ, पर आई डोंट नो अगर ऐसे ही फतवा देते हैं। मैम सिंगिंग कर रही है वो देखा जाए तो फिर और उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया तो फिर ये नॉर्मली आज भी हो रहा है देखा जाए तो फिर इन पाकिस्तान देखा जाए तो फिर क्या कहना चाहेंगे आज भी गर्ल्स सेफ नहीं हम ये बोल सकते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो फिर सी द मॉडर्न इंडिया जो है और जो लड़कियाँ हम जैसे लड़कियाँ जो सिटीज़ में रहती है आई थिंक वी आर स्टिल मोर सेफर देन जो कि छोटे शहरों में या कश्मीर में या तो आप बोल रहे हो जो पाकिस्तान में हो रहा है कंपेयर टू देम यस वी आर मच मच सेफर। कभी भी अगर आपने HBO की सीरीज देखी होंगी एक स्टोरी टेलिंग होती है, आप एक बुक को पढ़ते हैं वो जो फील आता है ना आपको वो आपको आता है जब हक्से का ट्रेलर देखते हो, वो एक्चुअली वो बेस्ड भी लिटिल वुमेन एक बुक के ऊपर है पूरी की पूरी कहानियाँ, तो इतनी इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ जो देखने में, तो इसलिए सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो शो देखने में। कल हम लोगों ने टेस्ट केस देखा था और आज हक्से की बारी है, सो इट्स गोइंग बी वेरी एक्साइटिंग टू सी कश्मीर की 4 लड़कियों की कहानी, आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। आई थिंक सब ने पढ़ी है लिटिल वुमेन, वो एक इंग्लिश क्लासिक है जो हर किसी ने पढ़ी हुई होती है। आई थिंक बहुत ही ब्यूटिफुली ऑल्ट ने उसे इंटरप्रेट किया है आज के टाइम में, और जो प्रॉब्लम्स पहले थी और जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उसको कितनी ब्यूटिफुली कश्मीर में जो उन्होंने पूरी स्टोरी सेट करी है, जो इश्यूज वहाँ पर वुमेन आर फेसिंग एंड हाउ दे कम अप एंड ऑल द 4 सिस्टर्स इन देयर लाइफ, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत ही सैड एंडिंग भी है उसमें, बीच में ऐसे कैरेक्टर्स की चीज़ें भी हैं, तो बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एनीवन एंड एवरीवन टू वॉच इट, बहुत ही फैमिली शो है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई वेब सीरीज करने का मौका मिले तो किस तरह की वेब सीरीज करना चाहेंगे? मैं बना रहा हूँ वेब सीरीज़, आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही एक्साइटिंग वाली बना रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स गोइंग बी वेरी नाइस। मैं ड्रामा होता है या कॉमेडी होता है, इससे पहले मेरे 2 वेब सीरीज़ क्लास ऑफ 2017 और रागिनी MMS जिस पर मैंने लास्ट काम किया था वो आई हैं, आई थिंक रागिनी और ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी लाए हैं, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। हर समय अलग अलग जॉनर के अलग अलग शोज़ बन रहे हैं, एक तरफ हक से होता है, एक तरफ यू हैव क्लास ऑफ 2017, एक तरफ आपका टेस्ट केस होता है, सो वॉट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट ऑल्ट इज़ दैट दे आर गेटिंग वेराइटी, तो आपकी मॉम भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, हर तरह के शोज बनाए जा रहे हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग यार, हर किसी को मौका मिलता है। किसके साथ दिखाई देंगे इन वेब सीरीज? किसके साथ दिखाई देंगे? अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बनने दो, पहले लिख रहे हैं हम लोग इस वक्त, लिख लेंगे फिर हम सुनाएंगे उस इंसान को और बाकी लोगों को, फिर जब वो साइन हो जाएगा फिर हम अनाउंस करेंगे कि यस दिस इज द शो वी आर मेकिंग। See the budget that is coming out, last year budget was very good, but what's going to be very interesting is that I hope that the tax level for every one of us thode lower ho,
तो ज़्यादा पैसे बचेंगे, ज़्यादा हम खर्च करेंगे, इकोनॉमी बेटर होगी, वो आई थिंक ओवरऑल होना चाहिए. एंड आई जस्ट फील दैट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना बहुत ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर इट्स सो डिफिकल्ट बिकॉज यहाँ पर श्योर श्योर गारंटी नहीं होती, एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन पैशन, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता है. सो आई होप दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस द इंडस्ट्री गिव्स सो मच टू द कंट्री, वो भी गवर्नमेंट अपने ध्यान में रखे और उनको इस तरह की रिबेट्स और इस तरह की सहूलियत दें कि वो बेटर कर पाएँ और ज़्यादा रिस्क ले पाएँ. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द यूनियन बजट एटलीस्ट. Do you have any plans of acting in any web series? See, when it comes to facing the camera, yes, I do have plans of facing the camera because जो मैंने किया वो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं. लेकिन बिकॉज मेरी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है कि मुझे डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग और राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो मैं करता आ रहा हूँ और एक्चुअली मुझे बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ से, तो आई एम सॉरी एक्टिंग मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं देता जितना कि मेरी बाकी थॉट प्रोसेस मुझे देती हैं. तो बट आई एंजॉयड माई स्टिंट एट बिग बॉस, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल समहाउ ऑल्सो डू सम बिट ऑफ थिंग्स ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा.